So hello guys, welcome to Super Knowledge Point, and in this video, so guys, please subscribe to my channel if you are new in this channel. So guys, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get all the notification time to time. So guys, आज हम लोग एक यहाँ एक नया और important मतलब एक interesting chapter जिसे हम लोग कहें उसे आज हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे. उस chapter का नाम है nutrition. क्या नाम है guys? Nutrition. आज हम लोग ये न्यूट्रिशन चैप्टर जो 9th ICSE में है उसे मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए. तो चलिए, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन मीन द सप्लाई ऑफ इसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड. मतलब कि न्यूट्रिशन एक ऐसा सप्लायर है, मतलब न्यूट्रिशन जो है उसे हम लोग सप्लाई करते हैं. न्यूट्रिशन में हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उन्हें हम लोग सप्लाई करते हैं. जैसे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट्स टू द बॉडी. बॉडी को हम लोग मतलब कि सप्लाई करते हैं. जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये सब होता है. हम लोग उसे क्या कहते हैं? बॉडी को सप्लाई करते हैं. उस टर्म को हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे. अब ऑल सच केमिकल कंपाउंड और इन्हीं सब सच केमिकल कंपाउंड को मतलब प्रोटीन, विटामिन, सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन. ऑल सच केमिकल कंपाउंड और न्यूट्रिएंट. अब देखिए, बात हम लोग करते हैं फूड की. फूड यानी सब्सटेंस विच वी ईट. ईट हम लोग खाना खाते हैं और ड्रिंक पीते हैं. एंड विच कॉन्टेन द न्यूट्रिएंट, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का होते हैं. मतलब हमने कोई, जैसे मानिए हमने दाल पी तो उसमें किसी में विटामिन होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, स्टार्च होगा. तो ये सब हम लोग फूड के जरिए खाते हैं. एग्जाम्पल जैसे मिल्क, ब्रेड, एग, फिश, एप्पल. अब देखिए, डाइट की बात करें. हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, फूड पढ़ा, अब डाइट की बात करें. द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ऑफ आइटम विच वी ईट इन आवर मील्स. मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, मील्स का मतलब होता है जो एक टाइम में खाना खाते हैं, उसमें जो फूड आइटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सभी तरह के हम लोग को एनर्जी या विटामिन डी या प्रोटीन, सभी तरह के विटामिन डी और प्रोटीन हम लोग के बॉडी में जाए, उसे ही हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं. सो अ बैलेंस डाइट इन विच इंक्लूड फूड आइटम विच जितने हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जितने भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन के 12, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब न्यूट्रिएंट्स को जो हम लोग खाने के साथ खाते हैं, तो वो एक ऐसा खाना, ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की ज़रूरत हो, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हो, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. उसे हम लोग क्या कहेंगे गाइस? बैलेंस्ड डाइट कहेंगे. अब देखते हैं नीड ऑफ न्यूट्रिशन. अब भाई हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, अब हम लोग को न्यूट्रिशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत ही क्यों पड़ी. अब भाई हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, कोई किसी ने कहा तो है नहीं कि न्यूट्रिशन लो, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, अब हम लोग इसे डिस्कस करेंगे. तो देखिए गाइस, स्टार्ट देखें. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. मतलब जितने भी सजीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको क्या होता है? फूड रिक्वायर होता है. मतलब वो सब, उनको सबको भोजन जरूरी होता है. ये मेनली 6 पर्पस से लिया जाता है. मतलब इसके फूड लेते हैं हम लोग तो हमारी बॉडी में मेन 6 पर्पस से वो काम करता है. इसलिए ग्रोथ के लिए, मतलब कि आप जैसे देखिए, आप छोटे से थे, अब आप छोटे का छोटे थोड़ी ना रह जाएंगे. अगर आप फूड करेंगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी आप ग्रोथ करेंगे, तो वो हो गया रिपेयर. अब मानिए जैसे आप खाना नहीं खा रहे, लेट करिए आप खाना नहीं खा रहे, आप गिर गए, तो जो आपकी चोट लगेगी वो चोट जो है चोट वैसे की वैसे ही रह जाएगी, उसमें ऊपर से सेल्स नहीं आएंगी. मतलब उसमें भी रिपेयर के लिए हम लोग को फूड की ज़रूरत होती है. अब रिपेयर होगा, सेल्स हैं, एनर्जी आएगी, तब वो रिपेयर होगा. अब एनर्जी का न्यूट्रिशन हम लोग की बॉडी में एनर्जी भी देती है, प्रोवाइडिंग एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी. जैसे हम लोग बहुत सारे फंक्शन करते हैं, हम लोग खेलते हैं, भोजन करते हैं, उसमें सब में हम लोग एनर्जी लगती है. खेलने में एनर्जी लगती है, फूड करने में एनर्जी लगती है, डांस करने में एनर्जी लगती है, स्विमिंग करने में एनर्जी लगती है, तो वो हम लोग की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. मेंटेनेंस, हमारी सेल्स का मेंटेनेंस भी करता है न्यूट्रिशन. प्रोटेक्शन, अब हमारा प्रोटेक्शन भी करता है. हमारा प्रोटेक्शन वो किस प्रकार से करेगा?
जैसे आपको कोई इन्फेक्शन है, आपको कोई डिजीज हो गई, जैसे मानिए आपको टाइफाइड हो गया, तो अब हम लोग की बॉडी में अगर हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन अच्छी डाइट करते होंगे तो उसमें जो हम लोग के वो होंगे न्यूट्रिएंट्स, वो सब हम लोग की बॉडी को डिजीज और इन्फेक्शन से बचा लेंगे। आप देखिए न्यूट्रिएंट्स होते कितने तरह के, न्यूट्रिएंट्स मेनली सिक्स तरह के होते हैं गाइस। कितने तरह के होते हैं न्यूट्रिएंट्स? सिक्स तरह के होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट, मिनरल और सॉल्ट। एंड जो पांचवा होता है विटामिन एंड वाटर। विटामिन एंड वाटर तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल और सॉल्ट से ही होता है। विटामिन और वाटर ये छह तरह के हम लोग के क्लास फूड जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग छह न्यूट्रिएंट्स बेस डिवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सॉल्ट और विटामिन वाटर। तो गाइस अगर आपको आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे तो क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा बनेगा, अच्छा लगेगा आपको, आप बोरिंग नहीं फील करोगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।